हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम सब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से परमानेंट प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और TGT की वैकेंसीज आपके लिए आई हुई हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रुप ए में जो वैकेंसी है वो प्रिंसिपल की है। यहाँ पर लेवल 12 है और आप देख सकते हैं पे इन मैट्रिक्स जो है आपका वो है 78,800 रुपीज़। ग्रुप बी में आपकी PGT, TGT और PRT की वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें कि लेवल 8, लेवल 7 एंड लेवल 6 यहाँ पे शो किया गया है। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो वैकेंसीज हैं स्कूल टीचिंग पोस्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंसिपल CHBS जिसके लिए एक वैकेंसी अवेलेबल है, प्रिंसिपल CHGSK इसमें एक वैकेंसी है और इसी तरीके से प्रिंसिपल SRSV में भी वन वैकेंसी अवेलेबल है। देन आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT की जो वैकेंसीज हैं वो हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स। सभी सब्जेक्ट्स में एक एक वैकेंसी अवेलेबल है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर कैटेगराइजेशन ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे जो शो किया गया है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी जो कि है TGT की। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेदा, दर्शन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देन म्यूजिक वोकल, फिजिकल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। और इसके बाद आप देखेंगे जो PRT की जो वैकेंसीज हैं इसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप वैकेंसीज यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ मैथ्स में 2 वैकेंसीज हैं TGT की, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे यहां पर सोशल स्टडीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर एब्रीवेशन शो किए गए हैं, यहाँ पर VI, HI, LD और MD कैटेगरीज के लिए भी वैकेंसी अवेलेबल हैं। जो भी यहाँ पर हैं वो आपको यहाँ पर शो कर दी जाएंगी, वो आप यहाँ पर इसके थ्रू चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी कि प्रिंसिपल के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन एकेडमिक्स में यहाँ पे मांगा गया है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, फॉर प्रिंसिपल श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। यहाँ पर जो है स्कूल के नाम भी बताए गए हैं जो कि ऊपर शॉर्ट में लिखे हुए थे, जो मैंने आपको तीनों बताए थे वो तीनों ही के लिए यहाँ पर जो है ये क्वालिफिकेशन है। BEd मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मांगा गया है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए और करके कई सारे ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इसमें से जो भी आपके लिए सूटेबल हो उसके बेस पर आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं प्रिंसिपल के लिए। डिजायरेबल में इन्होंने मांगा है कि कंप्यूटर ऑफ नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट आपकी 35 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, वही लोग प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। PGT के लिए आप देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसके अलावा आपके पास अगर इन सब्जेक्ट में आपने अगर PG किया हुआ है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने PG के सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और साथ ही जो दूसरी मेन क्वालिफिकेशन है कि BEd आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक। साथ ही आपके पास प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही पढ़ाने की आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर PGT इज 40 ईयर्स होनी चाहिए। देन PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए MPed होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स आपके पास होनी चाहिए। TGT के लिए यहाँ पर मांगा गया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड आपका जो है कोर्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास BEd होना चाहिए, ठीक है। 4 साल का जो आपका कोर्स होता है इंटीग्रेटेड, जो BEd जिसको कहते हैं, जो कि NCERT के थ्रू जो किया जाता है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपके पास बैचलर होना चाहिए, BEd होना चाहिए, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और TGT में आपके पास इस तरह से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वही लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। अगर आप संस्कृत में अप्लाई कर रहे हैं तो संस्कृत आपके तीनों साल में होना चाहिए ग्रेजुएशन में, हिंदी आपका तीनों साल में होना चाहिए, इंग्लिश से कर रहे हैं तो इंग्लिश तीनों साल में होना चाहिए, इसी तरह से उर्दू अभी आपके तीनों साल में होना चाहिए। सोशल साइंस वालों की थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है, यहाँ पर आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से, ठीक है, जिसमें से आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी मैंडेटरी है वो होना ही चाहिए, इसके अलावा कोई और आपके साथ में होना चाहिए। देन TGT मैथमेटिक्स का यहाँ पर बताया गया है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। TGT साइंस, होम साइंस, व्याकरण, साहित्य, इन सबके लिए सभी में 3-3 साल का जो है आपके पास होना चाहिए,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास बीएड होना चाहिए, मैंने आपको बताया। सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने की, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो टीजीटी की 35 साल यहाँ पे बताई गई है। इसी तरह से टीजीटी म्यूजिक, फिजिकल और प्राइमरी टीचर का भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। फिलहाल आप यहां पर ऊपर मेन जो डिटेल्स हैं वो देख लीजिए। तो मेन डिटेल्स हैं वो ये हैं कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 12 तारीख तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक, 12 जुलाई तक। उसके बाद एप्लीकेशन करने के बाद 17 तारीख तक आपके पास समय होगा फॉर्म को डाउनलोड करने का, जो भी उसके साथ के जो इनक्लोजर्स हैं उनके साथ में, ठीक। उसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। देन 1000 रुपये फीस आपके यहाँ पे लगेगी यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए फॉर ग्रुप ए पोस्ट, ठीक है, एंड ₹500 फॉर दी ग्रुप बी पोस्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी, और ना ही वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस यहाँ पर लगने वाली है। पेमेंट आप किसी भी मोड में ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब हम चलते हैं इसके पोर्टल पर। तो ये इसका पोर्टल है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन करने के लिए ये आपके सामने इनका समर्थ पोर्टल है। समर्थ पोर्टल पर फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में हम कई बार अपने चैनल पर बता चुके हैं, प्रॉपर वीडियोस भी बनाए हुए हैं हमने कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि समर्थ पोर्टल पर फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो हम दे देंगे, उस वीडियो को देख करके आपको हेल्प हो जाएगी कि किस तरह से समर्थ पोर्टल पर फॉर्म फिल किया जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करें, और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचर वैकेंसीज और पीएचडी एडमिशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।